Welcome friends to another lecture on Teacher on Demand series. ये lecture Bence Jones Proteinuria के ऊपर है और ये lecture प्रकाश चौधरी ने मुझसे request किया था. Right, तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि Bence Jones Protein क्या है. Bence Jones Proteins are light chain immunoglobulins that are excreted in the urine of patients of multiple myeloma. इसमें तीन important चीज़ें हैं. Light chain of immunoglobulins, जो यूरिन में एक्सक्रीट होता है, और किन में पेशेंट्स जिनको मल्टीपल माइलोमा है. मैं थोड़ा डिटेल्स में आगे बताता हूँ. नॉर्मली बॉडी में प्लाज्मा सेल्स होते हैं और इन प्लाज्मा सेल्स का मेन रोल होता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना. एंटीबॉडीज जो वायरसेस और बैक्टीरियाज के अगेंस्ट काम करके इनको डिस्ट्रॉय करते हैं. इम्यूनोग्लोबुलिंस अनेक किस्म के होते हैं, IgG, IgE, IgD, IgA और IgM. लेकिन सारे इम्यूनोग्लोबुलिंस में दो चीज़ कॉमन है. एक उनका हैवी चेन्स होता है और दो लाइट चेन्स होते हैं. हीमोग्लोबिन्स हैवी चेन्स और लाइट चेन्स से बनता है. लाइट चेन्स जो है वो दो किस्म के हैं, कापा और लैम्डा. ये छोटे साइज में होते हैं. नॉर्मली अगर ये प्लाज्मा सेल्स जो कि रेगुलर नॉर्मल फंक्शन करते हैं, अगर वो कैंसरस बन जाते हैं, तो उस समय हम उस कंडीशन को मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं. मल्टीपल माइलोमा मतलब प्लाज्मा सेल का कैंसरस बनना. अगर प्लाज्मा सेल्स कैंसरस बनेंगे तो जाहिर है कि बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, जिसके कारण बहुत सारे लाइट चेन्स भी बनेगा. जब ये लाइट चेन्स यूरिन में आता है, इसको हम बेंस जोन्स प्रोटीन्स कहते हैं. तो वंस अगेन, बेंस जोन्स प्रोटीन क्या है? जब इम्यूनोग्लोबुलिंस का लाइट चेन ज़्यादा मात्रा में बन जाता है. कब बनता है? जब पेशेंट को प्लाज्मा सेल का कैंसर होता है, जिसको हम मल्टीपल माइलोमा कहते हैं. और जब ये लाइट चेन ज़्यादा बन जाता है तो यूरिन में आने लगता है, और उस कंडीशन को हम बेंस जोन्स प्रोटीनूरिया कहते हैं. अगर किसी के यूरिन में बेंस जोन्स प्रोटीन नज़र आता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि उसको मल्टीपल माइलोमा है. नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस लाइट चेन? इस लाइट चेन में क्या स्पेशलिटी है? बेंस जोन्स प्रोटीन में ये खासियत है कि जब हम हीट करते हैं तो करीब 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये प्रेसिपिटेट हो जाता है. लेकिन अगर इसको हम और ज़्यादा हीट करेंगे, तकरीबन 100 डिग्री तक ले जाएंगे, तो जो प्रेसिपिटेटेड है वो दोबारा डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, उसके बाद अगर हम उसको 100 डिग्री से 60 डिग्री तक वापस कूल करेंगे तो दोबारा प्रेसिपिटेट हो जाता है, और 60 डिग्री से नीचे करीब रूम टेम्परेचर तक ले आएंगे तो डिसॉल्व हो जाता है. नॉर्मल प्रोटीन्स एक बार हीट करने पर डीनेचर हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो फिर वो सॉल्युबलाइज नहीं होता है. लेकिन बेंस जोन्स प्रोटीन का क्या खासियत है? वो 60 डिग्रीज पे प्रेसिपिटेट होता है, 100 डिग्रीज तक हीट करेंगे तो डिसॉल्व हो जाता है, वापस अगर आप 60 डिग्रीज को कूल करेंगे तो दोबारा प्रेसिपिटेट होता है, और अगर उसको रूम टेम्परेचर में ले आएंगे तो फिर से डिसॉल्व हो जाता है. ये बेंस जोन्स प्रोटीन्स की खासियत है. तो हम कैसे टेस्ट करते हैं? पहले तो हम यूरिन में 2-3 ड्रॉप्स एसिटिक एसिड डाल के उसको एसिडिफाई कर देते हैं, फिर यूरिन को हीट करते हैं. अगर प्रेसिपिटेट कुछ फॉर्म हुआ है तो जाहिर है कि अगर और भी किसी तरीके का प्रोटीन यूरिया हुआ तो वो भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा. तो इस स्टेज में हम फिल्टर कर लेते हैं. इसमें जो भी एक्सेस प्रोटीन्स है वो फिल्टर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि बेंस जोन्स प्रोटीन सॉल्युबल है, वो प्रेसिपिटेट नहीं, वो फिल्टर नहीं होगा, वो बचेगा हमारे पास. अब इस फिल्ट्रेट के ऊपर हम अपना टेस्ट करेंगे. पहले इसको 60 डिग्रीज तक हीट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि प्रेसिपिटेट बना है कि नहीं. अगर प्रेसिपिटेट बना है तो उसको फिर आगे हीट करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक. इस समय प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होना चाहिए और नज़र नहीं आना चाहिए. उसके बाद हम उसको वापस 60 डिग्री पर ले आते हैं तो ये प्रेसिपिटेट दोबारा अपीयर होना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो बेंस जोन्स प्रोटीनूरिया पॉजिटिव है. ये टिपिकल टेस्ट ट्यूब है. ये हमने स्टार्ट किया जब 60 डिग्रीज पे हीट किया तो हल्का सा ऐसा टर्बिडिटी टाइप का नज़र आता है. और ज़्यादा हीट करेंगे, 100 डिग्रीज तक ले जाएंगे तो डिसॉल्व हो जाता है. वापस कूल करेंगे 60 डिग्रीज में, प्रेसिपिटेट आ जाता है, और उसको रूम टेम्परेचर दोबारा ले आएंगे तो डिसॉल्व हो जाता है. अगर इस टाइप का चीज़ नज़र आए तो ये बेंस जोन्स प्रोटीन पॉजिटिव है. नाउ इट इज़ नॉट अ वेरी स्पेसिफिक टेस्ट, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है. अगर पेशेंट को अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा है. लेकिन बहुत सारे ऐसे मल्टीपल माइलोमा के केसेस भी हैं जिसमें ये टेस्ट नेगेटिव आता है. तो इस टेस्ट के ऊपर अगर मैं डायग्नोज करना चाहता हूँ तो ये उचित टेस्ट नहीं है.
आज तक मैंने अपने ज़िंदगी में ये टेस्ट कभी पॉजिटिव होते हुए नहीं देखा है। अगर मल्टीपल माइलोमा डायग्नोज करना ही है तो सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उसमें अगर ये एम बैंड दिख जाए तो ये कन्फर्मेटरी है मल्टीपल माइलोमा के लिए। बेंस जोन्स प्रोटीन यूरिया एक पुराना किस्म का टेस्ट था, जब ये सारे इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट हमारे पास नहीं था उस समय डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल हमारे पास बेटर टेस्ट हैं डायग्नोज करने के लिए, तो ये टेस्ट जनरली लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग, और अगर आपको कोई भी और रिक्वेस्ट करने की लेक्चर की ज़रूरत हो तो मुझे रिक्वेस्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।